अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी तेज हो चली हैं, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका सदियों से राम भक्तों को इंतजार था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त सामने आ गया है। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाईस जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी, मृगशिरा नक्षत्र श्री राम का होगा प्राकट्य। भगवान राम फिर विराजेंगे अपने धाम। भगवान राम फिर अवतार लेने वाले हैं, वो फिर अपने धाम विराजने वाले हैं। जिस तरह कलयुग में श्री राम आए थे, भगवान के लिए भव्य और अद्भुत मंदिर बन रहा है। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य आयोजनों की पूरी रूपरेखा तैयार है। 22 जनवरी को भगवान की मूर्ति अपने श्री धाम में स्थापित होगी। तारीख तय हो गई है, यानी सदियों से श्री राम भक्तों के राम अवतार की पुकार पूरी होने वाली है। और जिस रूप में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी, जिस समय प्रारंभ होगी, उस समय सबके सब ग्रह दशाएं, मृगशिरा नक्षत्र, आनंद जोग और उसके बाद अभिजीत नक्षत्र, ये सबके सब अनुकूल हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान बताते हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होगा। 17 जनवरी को मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोया जाएगा। 81 कलश के जल से धोने के बाद वास्तु शांति, अनादिवास कर्मकांड। 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। षोडशोपचार पूजन के बाद मूर्ति का अक्षत पूजन होगा। इसके बाद नए मंदिर में विराजमान रामलला की पहली आरती उतारी जाएगी। और मुझको लगता है कि जब 22 जनवरी को 11:30 बजे देश और दुनिया की निगाह अयोध्या पर टिकी रहेगी। हालांकि ट्रस्ट की ओर से पहले ही बताया जा चुका है कि राम मंदिर भक्तों के लिए गणतंत्र दिवस से खोल दिया जाएगा। इस दिन से देश विदेश के राम भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के महानुष्ठान में लाखों की संख्या में 15 जनवरी से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 जनवरी में अयोध्या में जन सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ तौर पर कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रोटोकॉल धारक अयोध्या न आए, ताकि समारोह में किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। रामलला के प्राकट्य की शुभ घड़ी आ गई है, तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में और तेजी आई है। राम मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई जा रही है। मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर में 3 लिफ्ट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। बता दें कि राम मंदिर 161 फीट ऊंचा और 3 मंजिला होगा, इसीलिए श्रद्धालु आसानी से हर मंजिल तक पहुंच सके, इसके लिए मंदिर में लिफ्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। और ये सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में हो सकता है। लोकसभा चुनाव से एन पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी। मोदी सरकार 2.0 में राम मंदिर की नींव पड़ी थी और इसी कार्यकाल में भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर निर्माण हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्व की सरकारों में यह मुद्दा लंबे समय तक टंगा रहा। मोदी सरकार में राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है और इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो 22 तारीख को
रामलला जो है अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा और 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला दिव्य और भव्य स्वरूप में विराजमान होंगे, मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाएंगी। अभी से ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां शुरू की गई हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बड़ी संख्या में साधु संतों को भी न्योता भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला जिनके जो 5 फीट के होंगे उनको मंदिर में विराजमान कराया जाएगा।